साथियों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और पूरा जो आंदोलन है और इस तरह से वहाँ पर पुलिस ने हिंसा किया। देखिए, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश से, योगी से और इस हिंसा से सभी लोग भली बात परिचित हैं। ये पूरा जो मॉडल है, अगर देखा जाए कि पिछले ढाई तीन साल का पूरा जो है और जो सीए के नाम पर, जो प्रोटेस्ट के नाम पर जो पूरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हिंसा किया जो है, वो पूरा एक हिंसा का पूरा एक सीक्वेंस लगातार चलता रहा है। अगर आप लोग याद करिए कि योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट बनती है तो वो कहते हैं कि हम स्लॉटरिंग पे बैन करेंगे, हम एंटी रोमिंग स्क्वाड बनाएंगे, हम जो अपराध के नाम अपराधी हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि एक दर्जन से ज़्यादा हत्या, बलवा, दंगा, फसाद करने की केसेस जो है खुद योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। अब वो कब उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो पूरा का पूरा जो 5,500 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में 2.5 साल में हुए हैं, जिनमें 1,800 लोगों को इंजर्ड किया गया, उनके पैरों में घुटनों में गोली मारी गई है और 8,000 से ज़्यादा लोग जेलों में कैद हैं और 17,000 से ज़्यादा लोग गैंगस्टर एक्ट में और 19,000 से ज़्यादा लोग गुंडा एक्ट में। ये आंकड़ा सीए के प्रोटेस्ट के पहले का है, सीए के प्रोटेस्ट के बाद का ये आंकड़ा इसमें कम से कम 20-30% और बढ़ जाएगा। मतलब कि जो जो यूपी गवर्नमेंट जो आती है और आने के बाद इसने जो पॉलिटिकल जो उनके जो लोग थे जिनसे विरोधी थे, उन जातियों को खासतौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुए उनमें 53% से ऊपर जो है मुसलमान हैं, उसके बाद दलित हैं, ओबीसी हैं और वो पूरा टारगेट किए गए। इस पूरे जो उनका टारगेट था कि उनको था कि हमारे खिलाफ जो लोग बोल रहे लगातार उनको हम किस तरह से अपराधी के नाम पर मार दें, और उन्होंने मारा। और इसके बाद अब की बार फिर उसी इनकाउंटर की पॉलिसी के तहत टारगेट क्लिक की गई है। और वो आप देखिए कि वो जो वही आईपीएस अधिकारी हैं, वो वही जिले हैं वहाँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश में एनएसए लगाया जाता है, गुंडा एक्ट लगता है, गैंगस्टर सबसे ज़्यादा है, और वही इलाके जो इनकाउंटर पे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुजफ्फरनगर है, शामली है, बिजनौर है, चाहे वो कानपुर है। अवंती जी जो बोल रहे थे बाबू का पुरवा में पिछले दिसंबर महीने में 2017 में वहाँ पर एक तनाव के मामले में वहाँ पर 4 लोगों पर एनएसए लगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब चाहे भराइच का मामला हो, एक टारगेट तरीके से उन इलाकों की छवि बनाई गई उन इलाकों की, जैसे कि एकदम एक गवर्नमेंट पूरी एक्ट की आपकी एक छवि बनाती है, जैसे कि विदेश में छवि बनाने का काम तो आरएसएस ने पूरा किया, जैसे मुसलमानों की एक छवि बनाई गई कि भाई बहुत खतरनाक है, भयावह है तमाम, और पूरा हाशिमपुरा से लेकर मलियाना से लेकर मेरठ तक का जो सिलसिला शुरू हुआ और तमाम गवर्नमेंटों ने जो जांच रिपोर्टों को नहीं सामने लाया, उनकी सच्चाई को सामने नहीं लाया, मोदी साहब जैसे लोगों को जो है जेल में नहीं डाला, योगी पर जो पिछली गवर्नमेंटें थी जो मुकदमे थे वो नहीं चले और वो लोग सीएम बने, उन्होंने उसी छवि को फिर से बनाया और उन्हीं इलाकों में जो छवि बनाया और उसके टारगेट किया। उसी जो छवि है, जो पूरा एक पॉलिटिकल नरेशन है, उसी पॉलिटिकल नरेशन के तहत उन्होंने पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में ये सवाल लगातार हम लोग उठा रहे थे, तो आप देखते होंगे कि आजकल हर जगह, पता नहीं मुंबई में मुझे लगता है कि पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मुंबई में फेनोमेना ही है कि चुलबुल पांडे और सिंघम जो है, पता नहीं यहाँ पर दरोगा होते हैं कि नहीं इस तरह के, लेकिन हमारे यूपी में जो है और बिहार में चुलबुल पांडे और सिंघम नाम के दरोगा है। आप गूगल कर लीजिएगा चुलबुल पर, मैंने गूगल करेंगे चुलबुल पांडे और सिंघम तो दरोगा है, और उनकी पूरी स्टाइल है, कभी बोनट से बैठते हैं, कभी मारना पीटना, इनका पूरा ये स्टाइल है पूरा ये मामला। वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उसमें ओपी सिंह जो उसके डीजीपी हैं, उन्होंने जो व्यक्ति जो पिछले दिनों 19 सितंबर का जो प्रोटेस्ट है, खासतौर पर मैं उस पर बात करता हूँ कि 19 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट है उस पर वो किस दिन होता है, अशफाक उल्लाह और बिस्मिल की शहादत दिवस पे है। कोई रिलीजियस डे नहीं है, न कोई जगह है, जो उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन स्थल है दलित आइकन्स का एक सेंटर पॉइंट है। मार्च कहाँ करना है, गांधी प्रतिमा तक करना है, काकोरी के शहीदों का जहाँ मुकदमा चला था उस दिन काकोरी में भी होता है, और उसके बाद
उत्तर प्रदेश के डीजीपी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी है। धारा 144 मतलब क्या है कि धारा 144 का हम इतना अनुपालन करते थे, इस देश में आजादी जल्दी नहीं मिलती है और इस देश में भाजपा लगा है, जिन जहां पर जो है वहां पर भी आवाम अपनी डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ रही है, मर रही है और लगातार तभी उनकी आवाजें आज सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो SSP थे, कला मैथानी थे, उन्होंने इस बात को कहा कि, और यही नहीं उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे SSP थे उनको कहा गया था कि जिस मोहल्ले से अगर कोई निकलने की कोशिश करे तो अगर कोई निकल गया तो दरोगा की छुट्टी कर दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी वही हुई। आप सोचिए कि 19 तारीख का जो प्रोटेस्ट है उस पर OP सिंह जो DGP है वो खुद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया में इस बात को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को मत भेजिए। मतलब इस प्रोटेस्ट के पोटेंशियल को वो समझ रहे थे। 16 तारीख की जो जामिया और AMU पर जो हमला हुआ उसको की सॉलिडरिटी में एक मीटिंग थी, जिसको भी अभी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी मीटिंग के रूप में कह दिया है। मंच और राय में जो मीटिंग है उसको भी कॉन्स्पिरेसी मीटिंग के रूप में ला रहे हैं। उस मीटिंग में दारापुरी जी, जिनको आप लोग देख रहे थे अभी, और SPL से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम ये प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। धारा 144 है, सदन चल रहा है। हम लोगों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट एक संगठन का नहीं है, आवाम का है, नेशनल कॉल है और तमाम लोग अस्पक बिस्मिल की शहादत दिवस पर इस नागरिकता संशोधन जो कानून है, धर्म के आधार पर जो भारत को विभाजित करता है, एक दूसरा धर्म के आधार पर विभाजन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आप ग्राउंड चेंज कर दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए। हमने कहा एक ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी और इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसके बाद लगातार शोएब साहब जो प्रेसिडेंट है रिहाई मंच के, संदीप जी, दारापुरी जी, लगातार इन लोगों से प्रशासन लगातार वार्ता करता रहा और इस बात के लिए भी रहा कि एक वक्त तक कि आप जो है जो परिवर्तन चौक है उसके पीछे का एक रास्ता है उसको दे देंगे। लेकिन 18 तारीख को एकाएक इन्होंने सभी वार्ता समाप्त कर दिया और कहा कि नहीं, हम जो है अब आपको 144 धारा का एक नोटिस थमा दिया और 116 सत्र में एक नोटिस थमा करके सभी वार्ता खत्म कर दी। मतलब कि जो हिंसा जो पुलिस ने किया है, जो उसमें वार्ता जो उन्होंने तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी ये वार्ता, जो कह रहे हैं कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ उस दिन 3:30 बजे जो परिवर्तन चौक पर जो पूरा पुलिस ने फायरिंग किया है, लेकिन उसके 12:30 बजे के पहले लगातार जो शहर में जहां पर पुराने शहर में इन्होंने गोलीबारी किया उस जगह पर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था और वहां पर पुलिस ने हिंसा करने के बावजूद यहां प्रोटेस्ट चल रहा था। मतलब कि जो वहां पर पुलिस हिंसा कर रही थी और उन प्रोटेस्टर्स को हिंसक बताया जा रहा है, इन प्रोटेस्टर से उसका कोई लिंक नहीं था। इसके बावजूद भी जब यहाँ पर पुलिस गोली चला देती है उसके बावजूद भी जगह जगह पर जो है लड़के लड़कियाँ तख्ती लेकर अपने प्ले कार्ड्स लेकर खड़े रहते हैं। मतलब कि पुलिस जो हिंसा कर रही है उसका कोई प्रोटेस्टर्स पे कोई असर नहीं है, कि क्योंकि वो हिंसा नहीं कर रहे थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे थे तो क्यों भागेंगे जो है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन इन्होंने हमारे साथी रॉबिन वर्मा को अरेस्ट किया, बेसिकली क्या हुआ कि उसके पहले लगातार जब 19 तारीख की रात में शोएब साहब को उठाया गया तो संदीप जी, दारापुरी जी और तमाम साथियों से मैंने बातचीत किया और एक पत्रकार साथी से भी मैंने उसमें बातचीत किया। दूसरे दिन लगातार जो ये लोग लगातार इस बात को लेकर करते रहे और दिन भर गिरफ्तारियाँ करते रहे और हम लोग इस बात को लेकर थे कि शोएब साहब कहाँ गए, आखिर में हमको मालूम चले। एकाएक शाम को लगभग 6:30-7 बज रहा था, एकाएक लारा जी का फोन आता है कि उमर एक पत्रकार है द हिंदू के, उनको उठा लिया गया। और उसके बाद जब हमने दूसरे को फ़ोन करने की कोशिश किया तब तक इनका फिर फोन आता है कि नहीं तुम किसी को फ़ोन मत करो क्योंकि तुम जिसको फ़ोन कर रहे हो वो लोग उठाते जा रहे हैं। फिर मैंने सोचने लगा कि मैं सोचा कि मैंने जिसको लखनऊ में फ़ोन किया, दारापुरी जी, रॉबिन, एक एक करके उनको मतलब फ़ोन को सर्विलांस किया जा रहा था। दूसरा कि रॉबिन को जब ये उठा लिए उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर से पत्थरबाज बुलाया, जो बांग्लादेश से कुछ लोगों को इन्होंने बुलाया। और उसके बाद एकाएक इन्होंने कहा कि हम ये पूरा हिंसा की जो साजिश है इसको रिहाई मंच ने गढ़ा है। और जब जिस दिन शोएब साहब का जो मुकदमा है वो
वहां पर चलता है तो उसका जज कहता है कि आप जहां से अरेस्ट किए थे उसका आप वीडियो फुटेज लाइए, तो दूसरे दिन ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं वो वीडियो हम जो है इनके खिलाफ गृह मंत्रालय के खिलाफ वो लेटर लिखे। तो सवाल इस बात का है कि ये जिस तरीके से गृह मंत्रालय को इन्होंने लेटर लिखा और पूरा इस जिस तरह से आज प्रतिबंधन की बात कर रहे हैं तो डेमोटिक डिवाइसेस को उन्होंने दबाने का काम किया। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ, दो मिनट का। जो कल बेसिकली जो सवाल इस बात का है, अभी इस बात का है कि कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में इस बात को बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश के लोग सदमे में हैं, सदमे में नहीं शोक में हैं लोग, और जिस तरीके से 23 नौजवान मारे गए उसे सहमे लोग कि हमारे नौजवानों को हमारे भाइयों को बेटों को मारा गया। आज महिलाएं निकली जिस तरह से वो लोग जो खुलेआम कब्र से निकाल कर बलात्कार करने की बात करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि चौराहे पे मुसलमान महिलाओं को बैठा दिया गया है। ये जिस तरीके से पूरा किया जा रहा है और जिस तरीके से अमित शाह बोल रहे हैं एक इंच हम पीछे नहीं हटेंगे, तो आंदोलन तो आगे चल रहा है। लेकिन वही डीजीपी ओपी सिंह जो इस बात को कहते हैं कि रिहाई मंच या तमाम जो इस तरह के जो लोग पकड़े गए हैं उनकी संपत्तियों को कुर करेंगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम उनकी संपत्तियों को कुर करेंगे, लेकिन बुलंदशहर में इन्हीं का इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को दौड़ा दौड़ा कर हिंदू युवाओं बजरंग दल के लोगों ने उसको मार डाला, लेकिन इन संगठनों का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इस तरह के रिहाई मंच के संगठनों का उन्होंने नाम लिया। जिस तरीके से पूरा ये सवाल जो बढ़ रहा है, मैं इस बात को साफ समाप्त करूंगा कि एक डिस्कोर्स इन्होंने पूरा खड़ा किया, क्योंकि ये सवाल जो सीए का सवाल आज खड़ा किया गया है, आज एनपीआर और खासतौर और जनगणना की बात की जा रही है, मैं एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2010 में आखिर में क्या सवाल था, याद करिए कि 2010 में इस देश में सवाल था, 2008 में सवाल था कि हमारे देश में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि देश में 53% जो ओबीसी है, 27% उसको रिजर्वेशन है और 12% तो नौकरियों में है उसके, और बाद में एसीसी के तहत गणना हुई। लेकिन यही गवर्नमेंट पिछली साल बोले कि नहीं हम इस सेंसेक्स में ओबीसी की गणना के लिए एक कैटेगरी एससी एसटी के तहत बनाएंगे, लेकिन 2019 में उन्होंने पलटी कर दिया और तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड पूरा खेल दिया। तो मतलब कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है जो पूरा खड़ा किया गया है उस पॉलिटिकल नैरेटिव को हमको चैलेंज करना पड़ेगा। दूसरा कि जो आईपीएस जिस तरीके से आप गुजरात में सिंगल बंजारा और तमाम इन लोगों को जानते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अजय सहनी, मंजिल सहनी, अजय पाल शर्मा, तमाम इस तरह के आईपीएस है जो योगी के सबसे बड़े उसके सैनिक है, किसी का सलाह है, जो इस तरह के लगातार आंदोलन को क्रश कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक मजबूत हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। और इन आईपीएस के जब तक इनको आप जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक इस तरह के सवालों को आप नहीं लड़ पाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।